Today I am going to give you the training on TouchPos billing in RANSLAB software. First you have to log in this screen. You can log in with three type. First is normal mode. Here you just write your name, username and password. Second is fingerprint mode. If you have biometric scanner, then you can log in with biometric. Third is touch mode. This is a touch mode screen. Here you enter your password. This is a main menu screen. From main menu, we enter in sale management, transaction, touch pos. You can also use shortcut key for this. STT. This is our table layout for restaurant, and these are the color coding for this table, and this is a shortcut key for this. Change layout means if you have two or three more floors, then you can use change layout. You can change from here. Here is a time, date, username, which user login in this screen. This is a table layout name. F3 for customer creation. You can create your new customer from here. Now I open a table, like table number 1. These are the groups and these are the items, and this is the modifiers. For example, any customer want beverages, like he want water. If he want two or more quantity, like two quantity, then you can select from here, and shortcut key is 2. If you want 3, 4, 5, if you want more than 5 quantity, then you can just press Q for quantity and select it from here. See, the quantity is 10 and the amount is according to the quantity. We select another item, like paneer pakoda, finger bean, raj kachori. अगर कोई हम गलती से आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं और कस्टमर कहता है हमें नहीं चाहिए ये आइटम, तो हम इसे वॉइड भी कर सकते हैं. ये देखिए, यहाँ से वॉइड हो गया है. अगर ये भी हमने वॉइड करना है तो वॉइड पर क्लिक करेंगे. शॉर्टकट की फॉर वॉइड आइटम इज डिलीट. दिस शॉर्टकट की फॉर सेट पर्सन, अगर किसी टेबल पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन बैठे हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक मैंने 5 सिलेक्ट किया. ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि कितने पर्सन्स बैठे हैं किसी टेबल पे, 5. हम यहाँ से कस्टमर भी सेट कर सकते हैं. सेट कस्टमर के लिए हम सी दबाएंगे. लिस्ट, यू कैन सिलेक्ट योर कस्टमर फ्रॉम हियर. ओके, एंड आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर का नाम शुभम गुप्ता आ गया है. Now select another item. You can use this modifier, food modifier. ये customer के according आप कर सकते हो, like उसे less spicy चाहिए, less salty चाहिए, उसके according आप यहाँ से select कर सकते हैं. और drinks के लिए आप drink commands use कर सकते हैं, like cold चाहिए, coffee के लिए आप, tea के लिए आप hot use कर सकते हैं, एक्सेट्रा. नाउ मैं इसको सिंपली टेंडर करूंगी. ये हमारी मोड ऑफ पेमेंट स्क्रीन है. लाइक कस्टमर किस से पेमेंट करता है, लाइक कैश पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड करता है, पेटीएम से करता है, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो. ये हम यहाँ पे कुछ नोट्स बने हैं. फॉर एग्जांपल, कस्टमर 2000 का नोट देता है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो. और यहाँ आपको नीचे बता देंगे कि आपने कितना बैलेंस रिटर्न करना है कस्टमर को. आप यहाँ से बिल डिस्काउंट भी दे सकते हो. बिल डिस्काउंट के लिए शॉर्टकट की है यू. इस पूरे बिल पे आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप 10 सिलेक्ट करेंगे और परसेंट पर क्लिक करेंगे. अगर आप 10 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप यहाँ से 10 सिलेक्ट करके अमाउंट पर क्लिक कर दोगे. यहाँ मैंने ओके किया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल पे डिस्काउंट मैंने कितना दिया है.
10% दिया है, तो जो भी उसका बिल बना था उसका 10% डिस्काउंट 51 रुपी है 0.5, और यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया कि कितने उसने पे कर लिए। अब इसको हम सिंपली लीव करेंगे, यहाँ पे शो होएगा कि हमारी जो टेबल है वो रनिंग में है, ये टेबल रनिंग का कलर है। अब मैं अनदर टेबल इस पर सिलेक्ट करूंगी लाइक T2, यहाँ पे कोई भी मैंने आइटम सिलेक्ट कर ली, इसको मैं सिंपली टेंडर करूंगी, और मैं प्रिंट बिल तब करूंगी अगर कोई कस्टमर टेबल पे बैठा हुआ है और हमने उसको बिल दे दिया है और जस्ट वो अभी टेबल खाली करने वाला है, अभी खाली किया नहीं है, तो हम प्रिंट बिल करेंगे। अगर हमें प्रिंट चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे और इसको लीव करेंगे। लीव करने से इसका कलर देखना ग्रीन हो जाएगा, वो डन सून के लिए है कि अभी कस्टमर बैठा हुआ है, उसको हमने बिल दे दिया है, वो जस्ट अभी टेबल खाली ही करने वाला है। अब मैं अनदर कोई टेबल सिलेक्ट करती हूँ लाइक T5, कोई आइटम लेती हूँ, इसको मैंने मूव करना है टेबल 5 को, मैंने टेबल 6 पे मूव करना है, उसके लिए हम शॉर्टकट की है M। इसको सिंपल मैं टेंडर करूंगी, देन लीव करूंगी। अब टेबल T5 अभी रनिंग में है और इसको मैंने मूव करना है टेबल T4 पे, तो मैं इसी को खोलूंगी पहले। अब मुझे इसको T4 पे मूव करना है, उसके लिए मैं शॉर्टकट की करूंगी M फॉर मूव टेबल। यहाँ पे पूछेगा कि किस टेबल पे उसको मूव करना है, लाइक मैंने T4 पे मूव करना है, एंटर करूंगी, इसको लीव करूंगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि T5 से वो मूव हो गया T4 पे। अगर आपने इसको ज्वाइन करवाना है किसी टेबल के साथ, फॉर एग्जांपल आपने T4 को ज्वाइन करवाना है T1 के साथ, तो आप इस टेबल को ओपन करोगे, फिर से आप मूव के लिए M प्रेस करोगे। अब यहाँ पे जिस टेबल के साथ आपने ज्वाइन कराना है वो यहाँ पे टाइप करोगे T1, एंटर। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने ज्वाइन करवाना है या मूव कराना है, अभी हमने यहाँ पे ज्वाइन करवाना है, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, इसको लीव करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि जो टेबल नंबर 4 है वो ज्वाइन हो गया टेबल नंबर 1 के साथ। अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि दिस टेबल हैज ज्वाइन विथ टेबल नंबर 1, इसको ओके करोगे। अब यहाँ देखिए कि ये बाकी जो टेबल्स है वो वेकेंट है, वेकेंट का कलर ग्रे है, टेबल नंबर 4 है वो ज्वाइनिंग में है, टेबल नंबर 2 अभी डन सून है, एंड टेबल नंबर 1 अभी रनिंग में है। अब रिजर्वेशन के लिए है F7। अगर किसी को अपने बर्थडे पार्टी के लिए कोई टेबल बुक करवाना है तो हम यहाँ से उसका शॉर्टकट किए F7 रिजर्वेशन के लिए। अब किस डेट को उसने रिजर्व करवाना है, फॉर एग्जांपल आज 26 है, मैं आज की डेट में इसको रिजर्व कर रही हूँ, इसको आप सिलेक्ट करोगे किस टाइम उसने रिजर्व करवाना है, फॉर एग्जांपल 1 बजे करवाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हम न्यू पे जाएंगे, न्यू के लिए आप कंट्रोल N भी प्रेस कर सकते हो। देखिए मैं 26 को रिजर्व कर रही हूँ 5 बजे का, यहाँ पे आप 26 को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल N करोगे न्यू के लिए, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखोगे, अगर न्यू है तो आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर सकते हो, अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो आप ओल्ड टेल करके सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ डेट आएगी कि किस डेट को उसने रिजर्व करवाना है, यहाँ टाइम, फॉर एग्जांपल उसने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रिजर्व करवाना है, यहाँ से आप टेबल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो,
लाइक मैंने T10 सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन की कितने नंबर ऑफ पर्सन टेबल पे आएंगे, लाइक 5। सर्विस स्टाफ में कि कौन सा स्टाफ वहां पे सर्विस देगा, आप ऑल टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हो। रिमार्क्स में कि किस वजह से उन्होंने वो बुक करवाया, लाइक बर्थडे पार्टी है। और इसको सेव कर दोगे, यस। आप एस्केप एस्केप करके पीछे जाओगे और यहां आप देखोगे, यहाँ पे देखो कि टेबल नंबर 10 यहाँ पे रिजर्व हो गया है। थैंक यू माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।